हेलो गाइस, तो आज हम लोग बैम्बू हार्वेस्ट करने जाएंगे। तो उससे पहले सुबह का समय है, तो हम मुर्गी को दाना दे देते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर और एकदम कच्चा रास्ता है, यहाँ पे कोई पक्का रास्ता नहीं है, कम्प्लीटली जंगल है यहाँ पे। तो घर से जो साइट है बैम्बू का वो काफ़ी दूर था, कम से कम 14 किलोमीटर्स हम गए। और जाते जाते हमें बहुत ज़ोर का भूख लगा, तो हम एक जगह रुक गए और यहाँ पे चाय और बिस्किट ले आए थे। तो हम थोड़े से रिफ्रेश कर रहे हैं चाय और बिस्किट के साथ में, काफ़ी ज़ोर का भूख लगा था। और साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक गुआवा भी लेके आए थे अपने खेती से, और ये बहुत टेस्टी गुआवा था, एकदम डिलीशियस एंड जूसी था। अब इसे खा के हम फाइनली पहुँच गए साइट पे। ये देखो कितना अच्छा बैम्बू है, बटन यहाँ पे वाइट कलर का पैचेस सब दिख रहे हैं, तो इट्स नॉट वेरी हेल्दी। तो हम इसकी जगह कोई और सेलेक्ट करेंगे, हम अलग बैम्बू और देखेंगे कौन से वाला ज़्यादा अच्छा है, तो चूज़ करूँगी मैं, देखती हूँ। फाइनली अच्छा लाइक बैम्बू मिला, ये काफ़ी अलग है दिखने में भी और बहुत टेस्टी होने वाला है। तो इसे हम नीचे से चॉप करेंगे, कट करके फिर जितने कट किए उसे हम एक जगह लेके जाके कलेक्ट करेंगे, फिर लोड करेंगे। देखो गाइस कितना सारा बैम्बू है, बटन ये ओल्ड बैम्बू है, ये कम से कम 2-3 साल पुराना है, तो ये काफ़ी हार्ड रहता है, तो इसे नहीं खाते हम। जनरली जो नया स्प्राउट हुआ है उसे हम खाते हैं। अब याद हो यहाँ पे भी एक कलेक्ट करके रखा हुआ था, अब इनको लेके पूरा मैं साथ में कलेक्ट करेंगे, उसके बाद गाड़ी पे लोड करूँगी। चलो खींच के लेके जाती हूँ मैं, काफ़ी बाल है इसमें। जैसे हम सारे मिलके खींच खींच के लेके जाके गाड़ी पे लोड कर रहे हैं, बैम्बू में देख सकते हो जो ब्लैक ब्लैक करके पैचेस दिखाई दे रहे हैं वो बैम्बू हेयर है। और ये जब लगता है तो इट्स वेरी इची सेंसेशन देता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम इसे पिक कर रहे हैं, ताकि ये जो बाल है वो हमारे शरीर पे ना लगे और खुजली ना हो, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी स्वेटी आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। जंगल में जाके हार्वेस्ट करके कलेक्ट करके ले आके काफ़ी थक गए हैं। जाते जाते जंगल में मुझे एक बहुत खूबसूरत फ्लावर देखा, और आई रियली लव जंगल का फ्लावर्स एंड आई लव टू कलेक्ट दोज फ्लावर्स बिकॉज दे आर ओरिजिनल एंड काफ़ी डिफरेंट रहता है फ्रॉम द नर्सरी जहाँ से हम बाय करते हैं। तो मैं तो नहीं उठ पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने अपने भाई से बोला प्लीज़ उठ के ले देना, तो वो चढ़ गया पेड़ में और वो मेरे लिए तोड़ दिया ये फ्लावर को। बहुत सुंदर फ्लावर था, इट्स अ क्रीपर और ये एरोपोनिक है। तो देखिएगा इसे, इतना इसे क्लोज से देखिए, इसका क्लोजअप मैं दिखाती हूँ, कितना सुंदर है, इसका कलर भी कितना सुंदर है, रेड कलर, काफ़ी सुंदर ब्राइट रेड कलर है। तो इसे मैं ले जाके घर पे ट्री पे हैंग करूँगी। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं पूरा लेकर जितने हमने हार्वेस्ट किए थे। अब इसे हम अनलोड करेंगे, अनलोड करके फिर इसे एक जगह कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। और बैम्बू जो कलेक्ट हम आज करके लाते हैं, तो उसी दिन या अगले दिन साथ ही साथ हम इसे साफ़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अगर हम इसे 1-2 दिन ज़्यादा रख देंगे तो ये बैम्बू सूख जाता है, इसका जो वाटर है अंदर में वो सूख के एकदम ड्राई हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, और खाने में भी थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है। तो इमीडिएटली हम लोग इसे प्रोसेसिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे इसके साथ। जैसे मैंने बोला पहले हम लोग इसके पिल को अलग करेंगे, उसके बाद हम इसे धुलाएंगे, क्योंकि इसमें हेयरी
वो स्ट्रक्चर्स थे तो काफ़ी खुजली कराता है, तो अगर हमने इसे प्रॉपर वॉश नहीं करें तो खाते समय भी ये हमारे गले पे चला जाएगा एंड इट्स गोइंग टू गिव अस वेरी ईची सेंसेशन। तो हम इसे अच्छे से पानी में धुलाएंगे, बार बार धुलाएंगे जब तक वो हेयरी स्ट्रक्चर जो है इस पर चिपका हुआ है वो जब तक ना निकल जाए। हम इसे कट करेंगे अलग अलग हिस्सों में, तो नीचे का जो पार्ट है उसे अलग से कट करेंगे, ऊपर के जो अलग से कट करेंगे। तो नीचे का हिस्से को इस तरह से हम कट करते हैं, फिर जो अंदर का जो पार्ट है उसे भी साफ़ करेंगे अच्छे से, उसके बाद उसे हम चॉप्ड करेंगे और ऊपर का जो हिस्सा है उसे इस तरह से हम स्लाइसेस बनाएंगे, उसके बाद इसे पानी में प्रिजर्व करेंगे। तो नीचे का जो हिस्सा है देखो इस तरह से हम चॉप कर रहे हैं। जब सब कर रहे तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो हमारे पास कोई चॉपर तो है नहीं, तो इसीलिए हम स्टील ग्लास की यूज़ कर रहे हैं। अब दिन के इतने थकान काम के बाद हम नहाने चले गए हैं स्ट्रीम में, फ्रेश वाटर स्ट्रीम में। पानी भी काफ़ी साफ है, मछली भी बहुत क्लियर से दिख रहा है और पानी बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।